नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान की सियासत में पिछले कुछ समय से बड़ा ही उथल पुथल है, क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार तो बन गई है, लेकिन राजस्थान बीजेपी के अंदर पिछले कुछ दिनों से घटी कई घटनाओं ने सबका ध्यान खींचा है। एक तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन लोकसभा में 25 सीटों में से बीजेपी 11 सीटें हार गई। दूसरा, इस हार ने बीजेपी को सदमा दिया और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया, जिसे राजनीतिक विश्लेषकों ने कई एंगल से देखा। तीसरा, राजस्थान बीजेपी ने मदन राठौर को अपना नया अध्यक्ष बना दिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पार्टी के अंदर नाराजगी तो जग जाहिर है, एक तरह से उन्हें साइडलाइन ही कर दिया गया है। ये तमाम घटनाएं हैं जो पिछले कुछ महीनों से राजस्थान में घटी हैं, और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हर रोज राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो सुर्खियों में बना रहता है। इसी कड़ी में भजनलाल शर्मा को एक और जोर का झटका धीरे से लगा है, जिसकी गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई पड़ रही है। दरअसल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेता खिलाड़ी लाल बैरवा ने अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कह दिया है कि वो बीजेपी की विचारधारा से खुद को जोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी से इस्तीफा देते हैं। चलिए हम आपको खिलाड़ी लाल बैरवा का वो इस्तीफा लेटर पढ़कर सुना देते हैं जो उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर को सौंपी है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अपने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की लालसा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को कांग्रेस से बाहर करने का असफल प्रयास किया। पायलट साहब के गुट के लोगों के फोन टैप करवाएं, जिसका लोकेश शर्मा सब विस्तार बता चुके हैं। मेरा भी फोन टैप करवाया गया, जो कि जांच का विषय है। कुछ खास चापलूस लोगों की सिफारिश पर राजस्थान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पंचायत समिति स्तर के क्षेत्रफल वालों को जिले बना दिए, समाज के टुकड़े कर इतने सामाजिक बोर्ड बना दिए जिनका स्वयं को भी पता नहीं है। 18% अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आयोग को मैंने वैधानिक दर्जे की बात की तो क्या गुनाह कर दिया। अंतिम 6 महीने में सरकार द्वारा लिए फैसलों की समीक्षा में 4 बिंदुओं पर समीक्षा हो। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पहला जिले बनाना, दूसरा सामाजिक बोर्ड बनाना, तीसरा फोन टैपिंग मामला, चौथा अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा वाला मामला। जिस तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जगह बदल बदल कर 2 बार चुनाव लड़ाए लेकिन अपने पुत्र को जीत नहीं दिला पाए, इससे इनके प्रति जनता की भावना साफ दर्शाती है। भाजपा और कांग्रेस की अलग अलग विचारधाराएं हैं। मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन की, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी मैं भाजपा की विचारधारा से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने 33 साल कांग्रेस में राजनीति की है, विचारधारा मेरे खून में शामिल हो गई है। मुझे भाजपा से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं और मेरे साथी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हुए प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये खिलाड़ी लाल बैरवा का पूरा इस्तीफानामा है जो मैंने पढ़कर अभी आपको सुनाई है। हालांकि इस इस्तीफेनामा में ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी का साथ छोड़ा और कांग्रेस में घर वापसी की हो, लेकिन एक बात तो तय है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत से भी नाराज दिख रहे हैं और उन्होंने गहलोत पर कई तरह के आरोप भी लगा दिए हैं। खुद को सचिन पायलट के खेमे का बताया है। खैर, फिलहाल तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और अभी राजस्थान बीजेपी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ये काफी चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि आगे कुछ और घटनाएं घटती हैं या फिर भजनलाल शर्मा सब कुछ संभाल लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।